हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नाम पुरुषोत्तम शिवा शेट्टी, उम्र 57 साल, काम पिछले 40 सालों से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड के तमाम फिल्मों और टीवी सीरियलों की शूटिंग से जुड़े लोगों को बड़े पैमाने पर सेट्स पर खाना सप्लाई करना। लेकिन लॉकडाउन में तमाम शूटिंग्स के बंद हो जाने से पुरुषोत्तम शिवा शेट्टी के फूड सप्लाई का अच्छा खासा बिजनेस भी ठप पड़ गया है। इसके चलते उन्हें रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन कारोबार बंद हो जाने के बावजूद भी उनके किचन में बड़े पैमाने पर खाना बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर यह खाना आखिर किसके लिए तैयार किया जा रहा है। चलिए अब आपको सुनाते हैं लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में पुरुषोत्तम शिवा शेट्टी की दरियादिली की दास्तां। दरअसल मुंबई के अंधेरी स्थित जमास फूड सप्लाई के इस किचन में रोजाना 600 ऐसे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है जो इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, यानी कि ऐसे लोग जो बेहद गरीब हैं, बेसहारा हैं, मजदूर और जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गरीबों के लिए सुबह शाम बनने वाले खाने और नाश्ते पर पुरुषोत्तम शिवा शेट्टी रोजाना तकरीबन 25,000 रुपए खर्च करते हैं। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि रोजाना खुद अपने कारोबार में लाखों का नुकसान झेलकर भी उन्हें इस कदर दरियादिली दिखाने की प्रेरणा कब, कहां और कैसे मिली। दो तीन जगह स्लम में गया तो वहाँ पर बच्चे लोग रो रहे, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, खाना नहीं उनके पास, कुछ नहीं, ना घर पे राशन है। तो मेरे अंग में से आंसू आया उस टाइम, क्यों ना हो कि हम कुछ करें इनके लिए, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, फूड सप्लाई का, तो कुछ तो हमें गिव बैक देना पड़ेगा, गिव बैक टू मुंबई या गिव बैक टू सोसाइटी, उस हिसाब से मैंने सोचा। पुरुषोत्तम शिवा शेट्टी सेट्स पर खाना पहुंचाकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, करीना कपूर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शेट्टी, प्रीति जिंटा जैसी तमाम हस्तियों से अपने स्वादिष्ट खाने के लिए प्रशंसा पा चुके हैं। रोजाना फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग से जुड़े हजारों लोगों की भूख मिटाते हुए और इसके जरिए लाखों रुपए कमाने के बावजूद पुरुषोत्तम शिवा शेट्टी ने अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखा है, जिसकी एक और मिसाल है उनके द्वारा अपने साथ काम करने वाले 120 कामगारों और जरूरतमंद लोगों की तमाम जरूरतों का ख्याल रखने की उनकी आदत, जिसे जब भी जरूरत होती है उन्हें अपनी जेब से पैसे निकाल कर देने में भी नहीं हिचकिचाते हैं पुरुषोत्तम शिवा शेट्टी। अभी लोग मेरे गांव से भी फोन कर रहे हैं, प्लस मेरे जो डेली वेज के लोग भी फोन कर रहे हैं, तो मैंने मेरे मैनेजर को एक मेरा कार्ड दिया है, मैंने एटीएम कार्ड दिया उसको कि जिसका भी फोन आएगा या मुझे मैसेज आएगा मैं उसको भेजता हूँ, उनको पैसे दे देना। अभी के हिसाब से मेरा डेली का 50,000 जा रहा है, गाँव का जो लोग है, जो लोग गाँव जा चुके हैं, प्लस यहाँ जो काम कर रहे हैं, प्लस अपना जो आउटसोर्स जो मेरा जो डेली वेज का लोग है उनका भी फोन आता है मुझे कि घर में राशन नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा भेजो, मैं उनको डालता हूँ उनको बैंक में। पुरुषोत्तम शिवा शेट्टी का कहना है कि जब तक लॉकडाउन का दौर रहेगा वे इसी तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। लॉकडाउन के इस बेहद मुश्किल दौर में गरीबों और भूखों को खाना खिलाने से बड़ी इंसानियत की मिसाल और क्या हो सकती है भला।
वो भी तब जब ऐसा करने वाले शख्स को खुद ही अपने कारोबार में रोजाना लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा हो। कैमरामैन सादिक के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।